Hello all and welcome to our channel Holistic Facts. Let's start with the Hindu News Analysis dated 3rd October 2019. और ये शुरू करें इससे पहले कुछ questions है. Red panda falls under which of the following IUCN categories? A. Endangered, B. Critically endangered, C. Least concerned, D. Threatened. Second, which of the following is true about MAT? A. It is direct tax, B. It is levied on taxable income of big corporations, C. It is levied on zero tax companies, D. Both A and C. Next, consider following statements about Indian Swadeshi movement 1905 to 1908 and mark the correct one. It was led by Mahatma Gandhi. Tilak called this movement Bahishkar Yoga. The movement was confined to West Bengal only, for none of the above. Abhi hum news analysis start karte hai. तो हमारी पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी डिक्लेयर्स कंट्री ओपन डेफिकेशन फ्री. तो कल हम जानते हैं महात्मा गांधी जयंती थी, तो स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च करके भी हमें अभी 5 साल पूरे हो गए, तो उसका भी थोड़ा इवैल्यूएशन हुआ है. प्लस हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया है. तो हम स्वच्छ भारत अभियान के बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं. इस मिशन के लिए कोऑर्डिनेटर थे सेक्रेटरी Ministry of Drinking Water and Sanitation with two sub-missions. The Swachh Bharat mission, जो ग्रामीण एरिया के लिए, और एक स्वच्छ भारत मिशन होगा अर्बन एरिया के लिए. Together they aim to achieve Swachh Bharat by 2019, जो कि हो चुका है अभी, as a tribute to Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary, जो कल थी. In contrast to the construction or supply-led programs of the past, जैसे कि central rural sanitation था, ठीक है, SBM दैट इज स्वच्छ भारत मिशन इज़ अ डिमांड सेंट्रिक मॉडल, कि लोगों में आपको पहले अवेयरनेस पैदा करनी है कि ओपन डेफिकेशन किस तरीके से हार्मफुल होता है, और उसके बाद उस डिमांड के बेसिस पे लोगों के मन में अगर अवेयरनेस होती है तो डिमांड होगी, और फिर उसके बेसिस पे हमें सप्लाई प्रोवाइड करना है. ठीक है, मतलब हमें सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. एट ग्राउंड लेवल द स्वच्छ भारत मिशन फुट सोल्जर्स, जो कि स्वच्छाग्रही थे, अब जिस तरीके से सत्याग्रह, मतलब सत्य का जो आग्रह करते हैं उनको बोला जाता है, उसी तरीके से स्वच्छता को, स्वच्छता के लिए जो भी अवेयरनेस फैलाएंगे उनको स्वच्छाग्रही बोला गया है. दे पार्टिसिपेटेड इन द ट्रिगरिंग ऑफ कम्युनिटीज फॉर बिहेवियर चेंज एंड सस्टेनिंग इम्प्रूव्ड बिहेवियर्स थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विच इज़ बींग कॉम्प्लीमेंटेड विद मास मीडिया एट नेशनल लेवल एज वेल. बॉलीवुड ने भी इसको अपहेल किया था, हम जानते हैं टॉयलेट मूवी आई थी, ठीक है, उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है. ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, हर एक सेक्टर ने, हम बोल सकते हैं, इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है. देन इसका इम्पैक्ट क्या रहा है, तो एक WHO स्टडी है, रीसेंट स्टडी है, दैट रिपोर्ट्स दैट स्वच्छ भारत विल लीड टू सेविंग ऑफ 3 लाख लाइव्स बाई 2019. ठीक है, तो अभी के साल तक 3 लाख लाइव्स स्वच्छ भारत मिशन बचा चुका है, ठीक है, या फिर ये उस वक्त प्रेडिक्ट किया गया था रादर, एंड देन अराउंड 150,000 लाइव्स वुड बी सेव्ड एनुअली देयर आफ्टर. देन एक रिपोर्ट आया था टाइटल्ड द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ SBM दैट इज स्वच्छ भारत मिशन इन इंडिया, 2017 का ये रिपोर्ट था यूनिसेफ का. इट एस्टिमेटेड दैट अ हाउस होल्ड इन एन ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज इन रूरल एरिया सेव्स रुपीज 50,000 ईच ईयर. देन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, ठीक है, उनका भी एक रिपोर्ट आया है जिसमें कि उन्होंने बोला था कि डायरिया प्रेवलेंस जो है और स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन जो है, जो ओपन डेफिकेशन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स में से एक है, ठीक है, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप ओपनली डेफिकेट करते हो तो, आपके भी और बाकी लोगों के भी. तो अगर ODF विलेजेस और नॉन ODF विलेजेस को कंपेयर किया जाए तो ODF विलेजेस में ये प्रेवलेंस काफ़ी कम है, ठीक है, और इसके लिए जो फंड्स थे वो दोनों सेंटर और स्टेट में शेयर किए गए थे. उसके बाद यहाँ आते हैं हम, US वॉन्स पार्टनर्स ऑफ सैंक्शंस रिस्क, ठीक है. तो US जो है, हम जानते हैं कि कैट्सा ये एक इंस्ट्रूमेंट है US का जिसको हमेशा यूज़ करता है. कैट्सा इज़ काउंटरिंग एडवर्सरीज ऑफ USA थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है. तो जो भी लोग USA ने अभी जैसे हमें बोल के रखा कि रशिया के साथ हमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, तो जो भी कंट्रीज़ इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे और जो भी US के एलाइज है ऑलरेडी या फिर US के साथ जिनका ट्रांजैक्शंस चलता है, उनको सैंक्शंस को फेस करना पड़ेगा. अब ये जो सैंक्शंस होते हैं, पहली बात तो कि इस तरीके से सैंक्शंस एक किसी भी कंट्री के सोवरनिटी को अंडरमाइन करते हैं, ठीक है, अंडरमाइन करते किस तरीके से, कि भाई ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारा डिसीजन है कि हमें कहाँ से वेपन्स खरीदने हैं या फिर हमें किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ कौन सा अग्रीमेंट करना है. बट इस तरीके से सैंक्शंस अगर USA लगाने लग जाए तो वो हो जाता है कि किसी भी कंट्री के सोवरनिटी पे आप
एक ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो सुपर पावर्स है ये इस तरीके के चीज़ों को रिजॉर्ट करते हैं यूजुअली, ठीक है। और ये GS2 के पेपर में आएगा। GS2 में जो हमें सब्जेक्ट है पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज अफेक्टिंग इंडिया, उनके लिए ये आएगा। अभी रिसेंटली हमने रशिया से S-400 सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लिए है, जो कि एक डिफेंस सिस्टम है और हमारे लिए ये एक सबसे एडवांस्ड सिस्टम रहेगी। तो इससे यूएसए को प्रॉब्लम हुआ है और यूएसए ने बोला है कि ये जो सैंक्शंस के लिए वेवर होगा वो आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको ट्रांजैक्शंस रोकना पड़ेगा, जब इसका पहला इंस्टॉलमेंट हो जाएगा पेमेंट का तब से सैंक्शंस लगना शुरू हो जाएंगे। और ये सैंक्शन का एक मेन फॉर्म क्या होता है कि अभी जो भी इंडियन कंपनीज़ है या फिर गवर्नमेंट है जो यूएसए में इन्वॉल्व है इकोनॉमिकली, ठीक है, तो वो सारा इन्वॉल्वमेंट जो है वो धीरे धीरे घटा दिया जाएगा। तो जो इंडियन कंपनीज़ होगी वो यूएसए में ट्रांजैक्शंस अपने नॉर्मल नहीं कर पाएगी, तो इन सारे वजह से हमारी इकोनॉमी में भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो काट्सा का एक इम्पैक्ट भी आप ध्यान में रखिए। उसके बाद ओपेक सेंसरशिप लीव्स ट्विटर यूजर्स चैफिंग। तो अभी एक स्टडी आया है जिसके अंडर ये देखा गया है कि इंडिया फोर्थ रहा है अमंग कंप्लेनिंग कंट्रीज़ कि ट्विटर पे कोई भी कुछ कंटेंट है जो कि कोई ऑफेंसिव कंटेंट है या फिर कोई प्राइवेट कंटेंट है जो नहीं आना चाहिए था, और ऐसे कंटेंट को रिमूव करने के लिए लोग जो है वो अपील्स करते हैं, कंप्लेंट्स लॉन्च करते हैं, उसमें इंडिया वॉज द फोर्थ कंट्री टू डू सो, ठीक है। और वैसे भी अभी ऐसे नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है लोगों का कंटेंट रिमूव करने के लिए, और जो भी कंटेंट रिमूवल की डिमांड्स आई है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री की तरफ से आई है। और हमारे यहाँ पे इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक्ट कौन सा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, ये याद रखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। तो इसके अंडर ही मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारे डिमांड्स किए थे ट्विटर में कि आपको ये कंटेंट हटाने चाहिए। तो इंडिया इज फोर्थ, याद रखिए। यहाँ पे हम आते हैं, CM टू एंडोर्स क्लीन एयर डिक्लेरेशन एट C40 समिट। तो जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर है हमारे अरविंद केजरीवाल, वो जाने वाले हैं C40 समिट में एंड ही विल बी एंडोर्सिंग फॉर अ क्लीन सिटी, ठीक है, क्लीन एयर। ये समिट कहाँ पे हो रहा है, कोपनहेगन में, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। अब हम जानते हैं कि दिल्ली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है अभी क्लीनलीनेस को प्रमोट करने के लिए, क्लीन एयर के लिए, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ठंडी के टाइम पे वगैरह, स्मॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम हो जाती है, लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, इसलिए बहुत एक्टिवली अभी हम एक क्लीन एयर की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो C40 के बारे में देख लेते हैं क्विकली। C40 समिट जो है इट इज़ अ ग्रुप, तो C40 सिटीज़ क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप इसको बोला जाता है, जिसमें 94 कंट्रीज इन्वॉल्व है। इट वॉज फाउंडेड इन 2005 और पूरे वर्ल्ड की 1/12 पॉपुलेशन ये कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करती हैं और 1/4 इकोनॉमी भी रिप्रेजेंट करती है। देन इट्स एम इज़ टू फाइट क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड क्लाइमेट रिस्क, और मेनली अर्बन बॉडीज़ को इसमें हमें इन्वॉल्व करना है और बहुत इनोवेटिव तरीके से हमें अप्रोच करना है अंडर दिस पर्टिकुलर C40 समिट। अभी रिसेंटली वैसे हम जानते हैं कि बारिश हो चुकी है, बारिश के बाद बहुत ज़्यादा धूप, और उसके बाद अब जब ठंडी आएगी तब स्मॉग का जो प्रेवलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दिल्ली में। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बोला जा रहा है कि अभी फिर से इट विल गो डाउन। यहाँ पे आता है MO सरकार इनिशिएटिव लॉन्च्ड, ठीक है। तो ये यूजुअली GS2 के पेपर में आ जाएगा, गवर्नेंस के अंडर ये आता है पर्टिकुलर टॉपिक। तो अभी हम जानते हैं कि ई गवर्नेंस भी हमारे यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रचलित कंसेप्ट है अभी, और ई गवर्नेंस के अलावा दूसरा अभी ये कंसेप्ट है MO सरकार। तो ओडिशा में इसको लॉन्च किया जाने वाला है। अब MO सरकार या फिर मोबाइल सरकार के अंडर क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हो गए या फिर किसी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में हो गए, उनके फ़ोन नंबर्स लिए जाएंगे और उनको रैंडमली कॉल किया जाएगा, ठीक है। और रादर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ जो ली गई है कि लोगों को फ़ोन नंबर लिए जाएंगे जो भी इन चीज़ों को अवेल करने के लिए आता है, ठीक है, या फिर जो भी ऑफिशियल कामों के लिए आते हैं, लोगों के नंबर लिए जाएंगे और उनको रैंडमली कॉल करके उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि आपके साथ जो भी ऑफिशियल था जिसने भी आपको हेल्प की है या फिर आपका काम किया है
वो किस तरीके से थे, उनका बिहेवियर क्या था, क्या वो एफिशिएंट थे, या क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन सही से प्रोवाइड की है. तो दिस इज़ लाइक कि ग्राउंड लेवल पे फीडबैक लेना सो दैट गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके. तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है. और क्योंकि बिल्कुल ही रैंडमली लोगों को कॉल किया जाएगा तो ऑफिशियल्स को पता नहीं है ना कि उन्होंने जिनको हेल्प किए हो उनको कॉल किया जाएगा नहीं किया जाएगा. तो उनको हर किसी के साथ अच्छे से बिहेव करना है और अपना काम एफिशिएंटली करना है. तो दिस विल बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव और लेट्स होप कि वो अच्छे से वर्क कर जाए. उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कॉल फॉर मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिटीजनशिप बिल. ठीक है, तो मणिपुर में सिटीजनशिप बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने वाला है. अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ऑफ 2016 क्या है, क्विकली देख लेते हैं. इस बिल के अंडर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से जो भी हिंदूज, पारसीज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख्स और जैंस, ये 6 कम्युनिटी के लोग आएंगे, ठीक है, उनको 6 ईयर्स ऑफ रेसिडेंस के बाद सिटीजनशिप दी जाएगी. ठीक है, तो ये 6 कम्युनिटीज़ के नाम याद रख लीजिए, हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और सिख. ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग 6 साल के रेसिडेंस के बाद सिटीजनशिप ले सकते हैं, बट आसाम का अकॉर्ड जो किया गया था उसमें ये बोला गया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन और कम्युनिटी, जितने भी बाहर से आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा. बट अभी क्या चल रहा है कि इन 6 कम्युनिटी के लोगों को आप सिटीजनशिप दे देंगे. तो ये थोड़ा सा वहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज है और उसके अगेंस्ट ही नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ये होते रहते हैं. एक्चुअली पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही कंडेम किया गया था इस पर्टिकुलर बिल को. तो अभी मणिपुर में इसका उठाव होने वाला है. उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं सीमेंट फॉर्म टू यूज़ प्लास्टिक वेस्ट फॉर फ्यूल इन मेघालय. ये बेसिकली आप एक एग्जाम्पल के तरह यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट जो है आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूल के तरह. तो उसका भी एक फ़ायदा होगा हमें, राधर देन बहुत ज़्यादा जो नुकसान होता है सॉइल में डिग्रेड होते रहते हैं, मतलब राधर डिग्रेड नहीं होते, सॉइल में पड़े रहते हैं, ओशंस में फेंके जाते हैं. तो अगर आप कलेक्ट करके लाए उनको और उनको यूज़ करें एज अ फ्यूल तो इट्स अ गुड यूज़. ये भी हो जाएगा कि क्लिंकर्स प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा रहा है कि प्लास्टिक फ्यूल को यूज़ किया जाएगा सीमेंट फर्म्स में. तो कोल जो है उसका यूज़ कम कर दिया जाएगा. कोल इज़ अ वेरी डर्टी फ्लूइड राइट फ्यूल है कोल, और कोल कम भी है हमारे पास, कोल का हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता है. तो ये एक चीज़ हो जाएगी कि प्लास्टिक वेस्ट को आप फ्यूल की तरह यूज़ कर लीजिए. तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इनको आप एग्जांपल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि GS3 में एनवायरनमेंट के बारे में अगर आपको कुछ पूछा जा रहा है तो आप वहाँ पे अच्छे से आंसर्स लिख सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे भी एक एज एन एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं इस न्यूज़ को, ट्राइबल्स रिवाइव ट्रेडिशन टू वार्ड ऑफ जम्बोज. तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है केरला में है ये. अब जो भी लोग बहुत ज़्यादा वहाँ के फ्लड्स की वजह से डिवास्टेटेड थे वो हिली रीजन्स में जाके रिसाइड कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली अगर आप फॉरेस्ट्स के आसपास रह रहे या फिर फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के साथ इंटरेक्शन होता है. तो वैसे ही इस कम्युनिटी का क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, एलिफेंट्स जिसमें सबसे ज़्यादा है. तो हम जानते हैं कि यूजुअली लोग क्या करते हैं, वाइल्ड एलिफेंट्स अगर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फेंसेस वगैरह लगा के रख देते हैं या फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ टॉर्चरस चीज़ें अगर यूज़ करते हैं तो दे विल बी वार्डेड ऑफ, बट वो मर जाते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से. और हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बायोडाइवर्सिटी को कितना प्रोटेक्ट करना है ये हम जानते हैं. तो इन्होंने एक बहुत इनोवेटिव वे निकाला है, बैम्बू से बना हुआ थट्टा ये लोग यूज़ करते हैं. थट्टा ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है. तो बैम्बू से ये बनाते हैं और उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है और एलिफेंट्स को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे आसपास ह्यूमन सेटलमेंट है. और फिर ऐसे वक्त ये आवाज़ सुन के वो वहाँ से निकल जाता है, वो वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं करते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा वे है कि किस तरीके से आप वाइल्ड लाइफ के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं. देन यहाँ पे हम देखते हैं एक्सेस रेन वॉशेस आउट्स IMD's मेथड. तो IMD ने अभी रिसेंटली न्यू मेथड लाई थी, कपल्ड फोरकास्ट मेथड जिसको बोला गया था. बट फिर भी अभी हम जानते हैं कि कितनी दिनों से रेन हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है थ्रू आउट इंडिया और ये बहुत अच्छे से IMD प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था. यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉन्ग टर्म वे में ये प्रेडिक्शंस काम में नहीं आ रहे हैं. IMD के बारे में हम क्विकली देख लेते हैं. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875. इट इज़ एन एजेंसी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, सिस्मोलॉजी, वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड फॉर द कंट्री. Then it is mandated to warn against severe weather phenomena like cold, heat waves, dust storms, cyclones, heavy rains and snow and others. ठीक है,
अब एक्चुअली बहुत ज़्यादा हम IMD को इसमें ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं. सितंबर को जो एक्सेस रेन था इट इज़ अट्रिब्यूटेड टू लो प्रेशर सिस्टम. और ये सारे चेंजेस बहुत सडनली हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत लॉन्ग टर्म के चेंजेस ना आप नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं. अगर यहाँ से एक महीने का चेंज मैंने अभी प्रेडिक्ट कर दिया है कि ज़्यादा बारिश नहीं होगी, बट सडनली इंडियन ओशन में कुछ चेंजेस आ गए हैं, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया है, तो उस डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा रेन हो सकती है, जो कि इस साल हुआ है, ठीक है. तो नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा हमें सरपास कर जाती है. ये यहाँ पे हम देखते हैं प्रेसिडेंट टू ऑनर सर्विस टू सीनियर्स, ठीक है. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो सीनियर्स सिटीजन्स के लिए, इंडिया के सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करती है, ठीक है, उनको अभी अवार्ड दिया जाने वाला है, उनका सम्मान किया जाने वाला है, ठीक है, जो आश्रम बनाते हैं, एल्डरली की केयर करते हैं, तो इसको वयोश्रेष्ठ सम्मान बोला जा रहा है. तो वनडे टाइप ऑफ एग्जाम्स में ये पूछ सकते हैं, आप याद में रखिए कि वयोश्रेष्ठ सम्मान किससे रिलेटेड है. तो एल्डरलीज की जो कोई भी केयर करता है, तो 15 इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को ये दिया जाएगा बाय आवर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है. और ये अवार्ड है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, ये भी याद रखिए, क्योंकि वनडे टाइप ऑफ एग्जाम्स में बहुत बार इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं. इसके अलावा यहाँ पे हम आते हैं अ साउंड रिव्यू, एडिटोरियल्स देखते हैं अभी. अ साउंड रिव्यू, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, ये जो एंटी एट्रोसिटीज़ लॉ है इंडिया का, SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, उसके बारे में आया है ये. अभी हम जानते हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट जो है उसको रिकॉल किया है, ठीक है. हुआ ऐसे था कि तीन चीज़ें थी, ठीक है. सबसे पहले तो मार्च 2018 का ये डिसीजन था और तीन नए रूल, तीन नए सेफगार्ड्स डाले गए थे इस एक्ट में, सो दैट इस एक्ट का पॉसिबल मिसयूज़ ना हो. पहला था कि द बार ऑन एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 18 नीड नॉट प्रिवेंट कोर्ट्स फ्रॉम ग्रांटिंग एडवांस बेल, मतलब एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है. सेकेंड था, पर्सन कैन बी अरेस्टेड ओनली इफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और दी SP अप्रूव्स सच अरेस्ट. तो आपको अरेस्ट के लिए अप्रूवल भी ज़रूरी है. एंड सेकेंड इज दैट देयर शुड बी अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू ऑल कंप्लेंट्स. तो ये तीन चीज़ें ऐड कर दी गई थी. अब ये तीन चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करी सेफगार्ड मैकेनिज्म के तौर पे कि एक्ट का मिसयूज़ ना हो. बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ को रिकॉल कर दिया है. तो इसके लिए क्या बोला गया है कि क्यों ये तीन चीज़ें एकदम जस्टिफाइड नहीं है. पहली बात तो ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का ने अभी जो रिव्यू किया है, तो उनका कहना ये है कि हम ऑलरेडी कंसिडर नहीं कर सकते कि सारी SC ST कम्युनिटीज़ जो है वो इस एक्ट का मिसयूज़ ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी जो ऑर्डिनरी लॉज हैं इंडिया में उसके लिए हर बार आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है अरेस्ट के लिए. बट इसमें आप स्पेसिफिकली डाल रहे हैं अगर कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, प्रायर अप्रूवल भी होना चाहिए और एंटिसिपेटरी बेल भी होनी चाहिए. तो इसका मतलब आप प्रिजुडाइज्ड हो रहे हो, आप ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हो कि इस एक्ट का मिसयूज़ ही करेंगे सब लोग, ठीक है. तो ये एक बहुत गलत बात है एंड दिस इन इटसेल्फ इज़ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि आप बाकी लॉज के लिए ऐसा नहीं कर रहे हो पर आप इसी एक लॉ के लिए ऐसे कर रहे हो. तो और ग्राउंड रियलिटीज़ हम जानते हैं, हमारी सोशल रियलिटीज़ क्या है कि अभी भी SC और ST कम्युनिटी के अगेंस्ट काफ़ी सारे एट्रोसिटीज़ जो है वो कमिट की जाती है. तो इस लॉ की हमें ज़रूरत है, ठीक है. तो इसी के चलते अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट है उसको रिकॉल कर लिया है. के बाद यहाँ पे आते हैं रेनिंग मिजरी. अभी बहुत ज़्यादा जगहों पे मॉनसून के वजह से फ्लड लाइक सिचुएशंस हो गए हैं. बिहार उनमें से एक है. बिहार में भी बहुत ज़्यादा फ्लड्स है. अभी हम जानते हैं गंगा बहती है वहाँ से, तो गंगा की जितने ट्रिब्यूटरीज है उनमें भी बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुआ है, ठीक है. और मेन रीज़न अभी यहाँ पे ऑथर का कहना है कि मेन रीज़न एक्सेस वाटर नहीं है. जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है ना, सिर्फ वही मेन रीज़न नहीं है इस चीज़ का. रीज़न है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस भी नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुअर है. अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो और हमारा प्रिपेयर्डनेस भी अच्छा हो, तो फ्लड्स अगर आए भी तो नुकसान उतना नहीं होगा, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है. आप ऐसे कुछ भी लगा कर पानी रोक तो नहीं सकते. तो अगर फ्लड लाइक सिचुएशन आती है, तो अगर आपकी प्रिपेयर्डनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इट कैन बी काउंटर्ड. और द रेन हैज़ नॉट स्पेयर द मोर एफ्लुएंट रेजिडेंट्स ईदर. मतलब अच्छे से अच्छे जगहों पे, पटना में भी, बिहार के कैपिटल में भी प्रिपेयर्डनेस नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, काफ़ी सारी चीज़ें बह चुकी हैं. वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको तक रेस्क्यू करके निकालना पड़ा था, ठीक है.
significant loss of life and property bhi hai wahan pe, aur similar distress have been reported from some other states as well, notably Uttar Pradesh. Theek hai, to sare matlab north side ke hai, aur jahan pe hum jante hai ki flood like situations aa sakti hai, wo regions thode vulnerable hai kyunki wahan se Ganga bhi behti hai aur Ganga ki tributaries bhi behti hai. So monsoon is expected to withdraw after October 10. ठीक है, नॉर्मली ये सितंबर में हो जाना चाहिए. तो ये पूरा एक महीने का जो लैग जा रहा है अभी, इस तरीके के क्लाइमेट चेंज पे अभी हमारा कंट्रोल नहीं है. तो क्या हम कर सकते हैं, हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं. ठीक है, एंड इंडियन सिटीज आर अट्रैक्टिंग हेवी इन्वेस्टमेंट्स इन सेवरल स्पीयर्स, बट स्टेट एंड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस हैव नॉट मैच्ड देयर एम्बिशन फॉर डेवलपमेंट. फंड्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स है, मनी है, बट कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये आप सोल्यूशंस के तौर पर लिख सकते हैं. ठीक है, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज यूएन का जो ये एक आर्म है, UNFCCC, तो इन इट्स सिटीज एंड क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि फ्लडिंग ये एक बहुत ही की डेंजर है लाइफ के लिए, और बहुत ही की क्या बोल सकते हैं हम, इसके क्लाइमेट चेंज की वजह से ट्रिगर्ड डेंजर है, अपार्ट फ्रॉम ड्रॉट एंड हीट आइलैंड. तो इतना सब कुछ होके भी हम फ्लडिंग के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है. तो सोल्यूशन में हमें क्या करना है कि सिटीज शुड वर्क टूवर्ड्स सोल्यूशन दैट यूज इंजीनियरिंग एंड इकोलॉजी टू कंटेन द एक्सेस वाटर फ्रॉम रेन एंड पुट इट टू गुड यूज़. And this could be in the form of new lakes, bioswales, which are vegetated channels to manage rainwater. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग है, तो हमारे यहाँ कहीं पर बहुत ज़्यादा ड्रॉट है, तो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर चाहिए है. और इंडिया गवर्नमेंट का हमेशा से ये एजेंडा ही रहा है कि वाटर मैनेजमेंट इज़ द प्रायोरिटी. तो नाउ इज़ द बेस्ट टाइम कि हमें वाटर मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए. यहाँ पर हम देखते हैं डिकोडिंग द कॉरपोरेट हिंदुत्व अलायंस. ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है उसमें कुछ ही चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट थी, तो मैं ब्रीफली आपको बस बता देती हूँ, आप सुनते सुनते नोट्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हाइपर नेशनलिज्म की बात की गई है, जो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म फीलिंग होती है उसकी बात की गई है. और यहाँ पे उसी के अंदर दो तरीके के नेशनलिज़म्स को डिफ्रेंशिएट किया है, एक है हिंदुत्व नेशनलिज़म और दूसरा है एंटी कॉलोनियल नेशनलिज़म. करंटली ऑथर का ये कहना है कि हिंदुत्व नेशनलिज़म काफ़ी प्रेवलेंट है, और कॉरपोरेट सेक्टर जो भी होते हैं ना, वो भी हिंदुत्व नेशनलिज्म को प्रिफर करते हैं. तो पहले हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं. हिंदुत्व नेशनलिज्म जो होता है, इट डज़ नॉट अंडरस्टैंड इकोनॉमी, रादर इट डज़ नॉट पे मच अटेंशन टू इकोनॉमी. हिंदुत्व नेशनलिज्म में मोस्टली कौन सी चीज़ें रह जाती है, कम्युनल डिस्प्यूट्स जो होते हैं. ठीक है, अब जैसे कि ये भी चल रहा है राम मंदिर के ऊपर अयोध्या में जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, उस तरीके के डिस्प्यूट्स को ज़्यादा ध्यान दे दिया जाता है रादर देन इकोनॉमी. अदर देन दैट एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म में क्या आता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमी, क्योंकि एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म या कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट था, तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, तो जो भी कंट्री थी वो पूरी यूनाइटेड अगेंस्ट ब्रिटेन थी. ठीक है, तो इट इज़ नॉट कम्यूनल एंड हेंस फोकस इकोनॉमी पर जाता है. देन सेकेंड डिफरेंस इज कि हिंदुत्व नेशनलिज्म में ब्रिटिशर्स और मुगल्स को सेम ट्रीट किया गया था, बट एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म में मुगल्स और ब्रिटिशर्स को डिफ्रेंशिएट किया गया था, क्योंकि मुगलों ने अगर यहाँ से एक्सेस टैक्सेस लिए भी है, ठीक है, या फिर जो भी हम एट्रोसिटीज़ की बात करते हैं वो किए तो है, इसलिए उनके अगेंस्ट भी हमारा नेशनलिज्म है, बट उन्होंने जो भी पैसे थे वो यहाँ पे स्पेंड किए, इंडिया में स्पेंड किए, डोमेस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी स्पेंड किए. बेसिकली मुगल्स यहाँ आए और यहाँ के होके बस गए, राइट, यहाँ के होके बसे, और यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कोशिश की थी, जैसे कि अकबर की रेन हम बोलते हैं, राइट. ताजमहल बना तो वो इंडिया में छोड़ के गए, और हमें उसका फ़ायदा होता है हमारे रेवेन्यूज़ के लिए, बट ब्रिटिशर्स के बारे में क्या हो जाता है कि इकोनॉमिकल ड्रेन हुआ है हमारा. इंडिया से जो भी पैसा उनको मिलता था, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, वो सब ब्रिटेन में जाता था. इसलिए एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग हो गया था, इंडिया को यूनाइट कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. दूसरा हम एक देख सकते हैं कि हाइपर नेशनलिज्म, सॉरी, हिंदुत्व नेशनलिज्म में मेजॉरिटी माइनॉरिटी डिविजन हो जाता है, जबकि एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म लोगों को यूनाइट करता है. देन यहाँ पे हिंदुत्व नेशनलिज्म में मटेरियल नेसेसिटीज़ को दिमाग में नहीं लिया जाता है. मटेरियल नेसेसिटीज़ मतलब लोगों की जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें होती है. अदर देन दैट नेशनल प्रॉस्पेरिटी को ध्यान में लिया जाता है, सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी को नहीं. मतलब इंडिविजुअल्स शुड सैक्रीफाइस फॉर नेशनल प्रॉस्पेरिटी.
जबकि इंडिविजुअल शुड बी द यूनिट ऑफ डेवलपमेंट. देन गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, ये हिंदुत्व नेशनलिज्म में. अगर आप गवर्नमेंट के किसी मूव को से क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है. रादर एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म में क्रिटिसिज्म इज वेलकम, क्योंकि उनको अपनी मेथड्स इंप्रूव करनी है, उनको उनमें ग्रोथ लानी है. सेकेंड, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी को या फिर इन जनरल मार्केट में बहुत ज़्यादा अटेंशन पे नहीं का होता है हिंदुत्व नेशनलिज्म में, कॉरपोरेट सेक्टर इसका काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठा सकती है, और इसलिए ये जो कॉरपोरेट हिंदुत्व अलायंस है वो उससे जनरेट होता है. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे, ठीक है. ये रादर एक्चुअली आपको इकोनॉमी में भी पूछा जा सकता है, या फिर ये आपको GS2 में भी पूछा जा सकता है. तो GS2 एंड GS3 दोनों में पूछा जा सकता है. तो ये कुछ जो की कंसेप्ट्स है वो बस आप ध्यान में रख लीजिए. फिर यहाँ पे हम आते हैं फर्दरिंग दिस नेबरहुड फ्रेंडशिप. तो इंडिया बांग्लादेश के फ्रेंडशिप के बारे में ये पर्टिकुलर आर्टिकल है. ये आर्टिकल क्यों आया है, क्योंकि अभी शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है वो उनकी फर्स्ट ऑफिशियल विजिट करेंगी आफ्टर देयर इलेक्शन एंड आफ्टर इवन आर इलेक्शंस. तो उसके वजह से अभी ये आर्टिकल आया है. और इंडिया और बांग्लादेश में अभी जो भी रिलेशन है वो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं. इंडिया का हम जानते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज़ हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती हैं उन सब से हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, पर उनमें सिर्फ बांग्लादेश के साथ हमने हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है वो थोड़ा सक्सेसफुली रिजॉल्व किए हैं, ठीक है. इसलिए सिक्योरिटी इशू जो है, बाउंड्री सिक्योरिटी, वो भी हमें बहुत कम है वहाँ पे. सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है बॉर्डर्स पे. और बायलैटरल ट्रेड जो है वो भी हमारा काफ़ी अच्छा है. 9 बिलियन तक चला गया था इन 17-18. और बांग्लादेशीज एक्सपोर्ट्स ऑल्सो हैव इंक्रीज्ड बाय 42.91% रीचिंग 1.25 बिलियन इन 18-19, ठीक है. और FTA की भी बात चल रही थी बीच में. देन इन 2018 इन एडिशन टू 660 मेगावाट ऑफ पावर इम्पोर्टेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया, इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज बाय अनदर 500 मेगावाट. तो इकोनॉमिकल टाइज जो है वो भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं बांग्लादेश के साथ. और बांग्लादेश और इंडिया में लैंड रूट ज़्यादा पॉपुलर है ट्रैवल करने के लिए, सेफ भी है इसी वजह से, क्योंकि हमने डिस्प्यूट्स जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है. और बांग्लादेशी टूरिस्ट एक बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज बनाते हैं हमारे यहाँ के विजिटिंग टूरिस्ट में से. देन मेडिकल टूरिज्म जो हम बात करते हैं या फिर हेल्थ टूरिज्म जिसको बोलते हैं, बांग्लादेश कंट्रीब्यूट्स 50% टू दैट. और हम जानते हैं कि साउथ एशिया अगर देखें तो इंडिया इज़ दी हब फॉर मेडिकल टूरिज्म, ठीक है. देन अ फ्यू मेजर आउटस्टैंडिंग इशूज़ है, अभी भी है इशूज़, पूरी तरीके से गए नहीं हैं. मोस्ट प्रेसिंग है टिस्टा वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट. टिस्टा रिवर जो है जो वेस्ट बंगाल से फ्लो करती है वहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्प्यूट है. हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन्होंने जो वाटर शेयरिंग टर्म्स को अग्री किया था उनको एंडोर्स करने के लिए ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, वो तैयार नहीं है. तो इसके वजह से हमारे बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट है. दूसरा बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ NRC, ठीक है. बांग्लादेश ने ये बोल के अपने हाथ झाड़ लिए थे कि NRC में जितने भी लोग आप बोल रहे हैं, जो 1.9 मिलियन असमीज जिनको आपने लिस्ट में नहीं रखा है, ठीक है, दे आर लेबल्ड एज इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश. तो इन्होंने सिंपली बोल दिया है कि बांग्लादेश से कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं था सिंस 1971, ठीक है, तो ये हम नहीं लेंगे. बट अभी रिसेंटली हम जानते हैं कि ये बायलैटरल डिप्लोमेटिक टाइज सही से बना के रखने के लिए हमारे यहाँ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि बांग्लादेश को NRC के बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. इंडिया का इंटरनल मैटर है, इंडिया विल हैंडल. बट अब वो कैसे वो भी हमें अब तक नहीं पता है, क्योंकि आसाम अकॉर्ड में बात तो रिपैट्रिएशन की ही थी, और अगर बांग्लादेश इज सेइंग कि वो नहीं लेंगे किसी को, देन वेयर आर दे गोइंग टू गो. पर खैर वो अभी अलग टॉपिक है. देन रोहिंग्या वाला एक सब्जेक्ट है, ठीक है. रोहिंग्या इशूज़ के लिए इंडिया ने भी कुछ रिमार्क किए थे अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बांग्लादेश ऑल्सो. बट ऑलरेडी बांग्लादेश एक चैलेंज फेस कर रहा है कि किस तरीके से उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है फॉर 1 मिलियन ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज़. इंडिया में भी ये हो रहा है, रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को शेल्टर देना जारी ही है. रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ ये एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी है फ्रॉम म्यांमार का जो राखीन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ से आए हुए ये लोग हैं. वहाँ पे एक बहुत ही मिलिट्री सप्रेशन जो है, ठीक है, अब तक का काफ़ी जो बड़े बड़े सप्रेशन से उनमें से एक रहा है वो. और अदर देन दैट, अब बांग्लादेश और इंडिया रिलेशंस हैव मैच्योर्ड इन द लास्ट डेकेड विद डेवलपमेंट इन मेनी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. और हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हम बांग्लादेश को हमेशा अमंग द फर्स्ट प्रायोरिटीज़ रखते हैं, ठीक है. और जो हमारा अभी नेबरहुड है,
मोस्टली हम सोच सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान इन एरियाज़ की ये बात चल रही है कि जहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट और सिनिसिज्म है वहाँ पे फ्रेंडशिप और होप अगर हमें किसी कंट्री के साथ मिल रही है वी शुड होल्ड ऑन टू इट. और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बांग्लादेश के साथ जो भी हमारे रिलेशंस हैं हम वो सुधारें. और ये जो पर्टिकुलर विजिट रहेगी शेख हसीना इनकी, दैट शुड बी ग्रेट फॉर अस. देन यहाँ पे हम आते हैं माइल्स टू गो बिफोर बिकमिंग ओपन डेफिकेशन फ्री. तो ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, जैसे कि हम जानते हैं कल 5 साल कंप्लीट हुए हैं स्वच्छ भारत अभियान को, तो उसका इवैल्यूएशन है हम देख सकते हैं. 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती भी थी, 150th बर्थ एनिवर्सरी प्लस 5th एनिवर्सरी ऑफ SBM दैट इज स्वच्छ भारत मिशन. और नरेंद्र मोदी जी इन्होंने ओपन डिफिकेशन फ्री हमारी कंट्री को कर दिया है, ठीक है. और ओपन डिफिकेशन फ्री ये बोलने के लिए अगर सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर एक इंसान को टॉयलेट का एक्सेस है तो हम इस कवेट से इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री शायद अब बोल सकते हैं. बट स्टैटिस्टिक्स हमें कुछ अलग ही चीज़ें बताता है कि द परसेंटेज ऑफ पीपल डेफिकेटिंग इन ओपन हैव डिक्लाइन बाई 26% पॉइंट, क्लोज टू हाफ स्टिल रिपोर्टेड टू बी रिलीविंग देमसेल्व्स इन ओपन. टॉयलेट्स अगर एक्सेसिबल है भी तो भी पीपल प्रिफर गोइंग आउटसाइड, ठीक है. तो हमें लोगों के बिहेवियर में बेसिकली चेंज लाना था. Like in 2014, about a quarter of people who own a functional latrine continue to defecate in open. तो 1/4, 25% of the people अगर यही कर रहे हैं तो आप जान सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये. Then in the last 5 years, the Indian government has built 100 million toilets. This implies that it constructed 38 toilets every minute that had passed since Swachh Bharat mission was launched. तो 5 साल में 38 toilets every minute. और फिर भी हम जो बोल सकते हैं ये जो अचीव किया गया है उसका फ़ायदा नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है फ़ायदा? अभी नंबर हम जानते हैं सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है लोगों का जो इसको यूज़ करते हैं, बट जो हमें बिहेवियरल चेंज एक्सपेक्टेड था बस वो नहीं आ पाया है अच्छे तरीके से. अदर देन दैट, ये जो हमने अचीव किया इतनी बड़ी फीट जिसे हम बोलते हैं वो किस तरीके से हमने अचीव किया है, तो मेनली यहाँ पे हमने कोर्सिव एक्शंस यूज़ किए हैं. तो 156 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इंटरव्यू लिया गया था. उनसे बात करने के बाद ये पता चला कि लोगों को उनके लीगल राइट्स जो थे वो डिनाई कर दिए गए क्योंकि उनके पास एक फंक्शनिंग टॉयलेट नहीं है घर पे, ठीक है. तो ये तो थ्रेट्स ही हो गई कि अगर आपके पास टॉयलेट नहीं है आपको PDS राशन नहीं मिलेगा, राइट. तो अब PDS भी, PDS में राशन कौन देते हैं? जिनके पास नहीं है पैसे, जो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, राइट. और उनको अगर आप बहुत ज़बरदस्ती टॉयलेट बनाने को बोलोगे और अगर टॉयलेट नहीं है तो PDS डिनाई करोगे, तो दिस इज़ नॉट अ वे टू गो. ये इंटिमिडेशन हो गया. एंड विथ अनरियलिस्टिक टारगेट्स पुश डाउन फ्रॉम द टॉप. अब यहाँ पे ये एक ग्राउंड लेवल की चीज़ है. ओपन डिफिकेशन फ्री करने के लिए हमें मासेस को इन्वॉल्व करना है, तो यहाँ पे एक बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए था, बट यहाँ पे टॉप टू डाउन अप्रोच है, ठीक है. टॉप डाउन अप्रोच यूज़ किया गया है, तो ऊपर से हमेशा फोर्स किया गया कि आपको ये टारगेट्स है और आपको बस कुछ भी करके इन टारगेट्स को अचीव करना है. तो एट एवरी लेवल एवरी ऑफिशियल फेस्ड सम काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम देयर बॉसेस. और इसके अंडर ऐसे करके हमने ये पर्टिकुलर टॉयलेट्स बिल्ड किए हैं. इवन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो होते हैं उनको टारगेट्स दिए गए हैं. उनको बोला गया कि इफ़ दे डोंट गेट 700 टॉयलेट्स बिल्ड दे विल बी फायर्ड. अब ऐसे कंडीशन के अंडर काम किए गए हैं तो जो टॉयलेट्स हैं वो भी हर जगह के टॉयलेट्स प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है. बहुत जगह पे लैक ऑफ वाटर के वजह से वो अभी यूज़ नहीं किए जाते हैं. ड्राई लैटरिन्स है, हम जानते हैं कि ड्राई लैटरिन्स भी हमें बैन कर देने थे. ड्राई लैटरिन्स अगर यूज़ किए जाते हैं तो फिर वहाँ पे आता है मैला ढोने वाले लोगों का काम वहाँ पे आता है, जो कि हमें नहीं करना था, ठीक है. उस पे भी हमें बैन करना है. मैनुअल लेबरर्स भी हमें बैन करने थे, बट अगर ड्राई लैटरिन्स बांधे जाएंगे, पानी अगर नहीं होगा तो फिर ये चीज़ें भी रह जाएंगी. तो हमें एक कॉम्प्रहेंसिव यहाँ पे फिर से एनालिसिस करने की ज़रूरत है. ओपन डेफिकेशन को जो हमने ओपन डेफिकेशन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है. तो इट्स ऑथर का ये कहना है कि जैसे कि हमने गांधी जी को ये गिफ्ट दिया है, क्योंकि हम जानते हैं स्वच्छ भारत के लिए गांधी जी भी कितना काम करते थे, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट देयर आर स्टिल माइल्स टू गो. पूरी तरीके से अभी ये अचीव नहीं हुआ है और हमें इसके लिए अहिंसा और कंपैशन फॉलो करना चाहिए, ना कि कोअर्शन, ठीक है. कोअर्शन तो बिल्कुल ही गांधी जी के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, पर हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ये गांधी जी के आइडियोलॉजी को लेके चलता है. फिर आगे बढ़ते हैं हम
अब ज़्यादा तो यूज़ नहीं है, वर्ल्ड में देख लेते थोड़ा सा, बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ब्रेग्जिट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ प्रपोज किया है, 31 अक्टूबर तक ब्रेग्जिट हो जाना था, ठीक है, तो अब देखते होगा या नहीं। और ब्रेग्जिट क्या है, ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, क्योंकि ब्रिटेन को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ है वो वहाँ पर कहीं पर सप्रेस हो रही है, ठीक है। देन हांगकॉन्ग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कुछ महीनों से चल रहे हैं। तो चाइना में हम जानते हैं वन कंट्री टू सिस्टम अब तक चलते आ रहा था, एंड हांगकॉन्ग इज़ ट्राइंग टू प्रिजर्व दैट, क्योंकि हांगकॉन्ग इज़ कैपिटलिस्ट और चाइना में हम जानते हैं सोशलिस्ट है अभी रिजिम, सोशलिज्म विथ चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो यही वन कंट्री टू सिस्टम का क्या मतलब है कि वन कंट्री दैट इज़ हांगकॉन्ग इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, एंड टू सिस्टम इज़ हांगकॉन्ग इज़ कैपिटलिस्ट एंड चाइना इज़ सोशलिस्ट। तो उसी के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काफ़ी हानि भी हो रही है वहाँ पे, लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट। फिर यहाँ पे हम देखते हैं इकोनॉमी में आ जाते हैं थोड़ा, फर्म्स ऑप्टिंग फॉर न्यू लोअर टैक्स कांट क्लेम मैट क्रेडिट, ठीक है। तो अब इसमें हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैट क्या है, मैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, मैट का फुल फॉर्म क्या है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब ऑल्टरनेट टैक्स में आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये किसी एक चीज़ का ऑल्टरनेटिव है, तो ये लेवाई किया जाता है ज़ीरो टैक्स कंपनीज़ में, मतलब ऐसी कंपनीज़ जिनका जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है। अब आरबीआई जितने भी एग्जेम्पशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं छोटी छोटी कंपनीज़ के लिए, वो एग्जेम्पशंस यूज़ कर करके कंपनीज़ दिखाती है कि उनका कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो ऐसे केसेस में उनको जो भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, अब उनका जो भी प्रॉफिट बुक रहेगा उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा 15%, ठीक है। मतलब रेगुलर डायरेक्ट टैक्सेस तो आप नहीं दे रहे हो जो बाकी कॉर्पोरेशंस के लिए लगते हैं, बट जितना भी आपको प्रॉफिट होता है उसका तो भी 15% आपको एज डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिए जीरो टैक्स कंपनीज पे ये लिवी किया जाता है, और 15% ऑन देयर प्रॉफिट बुक, और ये सबसे पहले 1997-98 में किया गया था, शुरू किया गया था। यहाँ पे ये देखना है, इसके बाद यहाँ पे आता है ICAI टू चेक ऑडिटर्स रोल इन PMC एम्ब्रोक्लियो। अब PMC का हम जानते हैं कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो एक बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक्स है इंडिया में, अभी सामने आया कि एक तो RBI ने पहले तो लिमिट्स जो थी पैसे निकालने की 6 महीने के लिए वो बहुत कम रखी थी, 1000 रुपीज़ लिमिट कर दी थी, फिर उसके 2 दिन बाद RBI ने बोला चलो ठीक है 10,000 रुपीज़ आप निकाल सकते हैं, और अगर ऑन पेपर हम देखें तो कोई भी क्राइसिस दिखाई नहीं दे रहा था, ऑन पेपर उनके NPA भी एवरेज से कम ही थे, और टफ ईयर में भी उनके प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक ही दिखाई दे जा रहे थे। अब ऐसे सामने आ रहा है कि जो एक ऑडिटिंग होता है किसी भी बैंक का, यहाँ पे ऑडिटिंग अच्छे से नहीं किया गया है, इसलिए ऑन पेपर समझ में नहीं आ रहा है बट PMC हैज़ फेस्ड अ क्राइसिस। तो अब उसी से रिलेटेड ये ICAI जो अथॉरिटी है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप समझ सकते हो ऑडिटिंग रिलेटेड, राइट। तो ICAI इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, ठीक है। तो सारे CA से रिलेटेड चीज़ों को ये रेगुलेट करेगी। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट ऑफ 1949, ठीक है, स्टैट्यूटरी है। देन द काउंसिल ऑफ ICAI मैनेजेस इट्स अफेयर्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशन 1988 एंड CA एक्ट 1949। The council is imposed of total 40 members, 32 are elected members and remaining 8 are nominated by union government, ठीक है। Then generally union government members are representing comptroller and auditor general of India, ministry of finance, ministry of corporate affairs and other stakeholders, तो वो 8 लोग जो nominate किए जाते हैं वो इनको represent करते हैं। तो ICAI के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि prelims types of exams में ऐसी चीज़ें पूछ ही लेते हैं। यहाँ पे हम एक बस फैक्ट लाइक ये चीज़ देख लेते हैं कि द इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो है, ठीक है, बहुत ही कॉमन स्पीशी है और ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, तो ये एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, और IUCN में इट इज़ लीस्ट कंसर्न्ड, ठीक है। आगे तो बस स्पोर्ट्स का ही पेज है, तो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।